तो अभी आज हम लोग आ गए हैं वॉक करने के लिए बाहर। हेलो एवरीवन, शाम का टाइम है और अभी हम लोग आ गए हैं। यहाँ कैंट एरिया है, यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब अच्छा सा वेदर है और पेड़ पौधे हैं, सन्नाटा सा है, एकदम शांत और पक्षियों की आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। तो हम तीनों लोग ऐसे ही बस आ गए हैं। मैं डिनर की तैयारी कर रही थी तो वर्मा जी ने बोला चलो चलते हैं गाड़ी से। पीहू का मन था आज बाहर घूमने का, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज आ जाते हैं। वैसे तो कहीं हम लोग जाते नहीं हैं, लेकिन आज निकल के आए हैं। आज हम दोनों पति पत्नी बहुत दिनों के बाद इस तरह से घूम रहे हैं। और इधर ये देखिए, ये हैं, आइए बात कराते हैं आप सबसे। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद में अपने घर के नज़दीक में घूमने आए हैं। तो हमारे घर के जो नज़दीक का इलाका है वो देखिए, वो है ये, एंड यू कैन वॉच द ब्यूटीफुल एरिया अराउंड अस। वो साइकिल भी लोग चला रहे हैं, अक्सर लोग घूमने लगते हैं यहाँ पे, इतना सुंदर है। कुछ लोग कार सीख रहे हैं, यू कैन वॉच सम पीपल आर लर्निंग कार। कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली जितने भी लोग घूमने वाले होते हैं शाम के टाइम या सुबह के टाइम में, तो यहाँ पर आते हैं। और बहुत सारी चिड़ियाओं की आवाज़, और जो पूरे जंगल का एक म्यूज़िक होता है वो सुनने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे, झिंगूर की आवाज़ एंड ऑल। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं घनघोर जंगल में। याद है आपको जब हम लोग शिप से गए थे एक बार मुंबई में, वहाँ उतरे थे, कौन सा पोर्ट था वो? जेडी है ना, जवाहर द्वीप। हाँ, जवाहर द्वीप था। वहाँ पे भी एक ऐसे ही रोड थी जहाँ पे घनघोर जंगल था, और वहाँ पे तो बता रहे थे कि सांप वाप भी आता है या फिर कोई छोटे मोटे जानवर भी आ जाते हैं। एक बार तो मेरठ में वो आ गया था सांप। अच्छा, और एक बार तो मेरठ में तेंदुआ आ गया था ना। वो काफी दिन था मेरठ में, फिर बाद में पकड़ा गया था। ऐसा न्यूज में भी आया था। एक्चुअली एक लकड़ी का ट्रक आया था काठ गोदाम से लोड होके, तो वहां से वो आ गया था तेंदुआ। हाँ, लकड़ी के बीच में बैठ के आ गया था, और फिर वो यहीं कहीं उतर गया। फिर एक जगह स्टैचू भी बन गया यहाँ मेरठ में, तो उसका स्टैचू भी बना दिया गया कैंट में। आप लोग मेरठ से हैं तो बताइएगा वो स्टैचू किस किस ने देखा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। पीहू कैसा लग रहा है आज बाहर आके? अच्छा लग रहा है। आता है, रन 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 रन, गो 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 गो, 1 2 3 गो। ये पीयू फर्स्ट आने वाली है, पीयू फर्स्ट आने वाली है, ये मेरी पीयू फर्स्ट आएगी, फर्स्ट आएगी। ओ पीयू फर्स्ट आ गई। तो देखा आपने, पीहू को अच्छा लग रहा है, बस इसीलिए हम लोग चले आए। आज वो बार बार कह रही थी कि मामा बाहर चलो, कहीं घूमने चलो, तो कहीं हम लोग जाते नहीं हैं, तो बच्चा भी कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसीलिए बस चले आए। और हवा भी आज थोड़ी अच्छी चल रही है। कल रात आंधी आई थी बहुत तेज, रात में 12 बजे के आसपास खूब तूफान टाइप का आ रहा था, लेकिन बारिश नहीं हुई थी मेरठ में।
तो उसके बाद मैं आ गई थी अपनी फ्रेंड मेघा के घर में, और आप सब लोग जानते ही होंगे मेघा को, और ये है दिया, बहुत ही प्यारी बेटी है मेघा की। तो वही मैं यहाँ पूछ रही थी कि दिया तुमने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। एक्चुअली मैंने मास्क लगा रखा था तो वो मुझे पहचान नहीं पा रही थी, तो बस हम लोग बाहर से ही मिल करके वापस चले गए थे। बहुत दिन हो गए थे मैं मेघा से मिली नहीं थी, तो मैं आ गई मिलने के लिए और अंदर नहीं गए। मेघा ने बहुत इंसिस्ट किया कि आ जाओ, बट मैंने कहा नहीं फिर कभी आएंगे, मैं तो बस ऐसे ही मिलने के उससे आ गई थी। और आंटी जी भी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने भी बोला कि आ जाओ बेटा घर, लेकिन मैंने कहा नहीं फिर कभी हम लोग आ जाएंगे मिलने के लिए। सब हो गया है, अब मैं जा रही हूँ अपना स्किन केयर करने, तो मुझे लगा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। सभी को पता है, मैंने आपको पहले भी शेयर किया है कि मैं ममा अर्थ का उपटन फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, उसके पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो वो मेरा फेस वॉश मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, तो वो ख़त्म होने वाला था, तो मैंने अभी इसका एक नया पैक मंगाया है, जिसके साथ मैंने इस बार मंगाया है ममा अर्थ का उपटन नाइट फेस मास्क। तो ये फेस मास्क जो है आपको वॉश नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, ये आप ओवरनाइट लगा करके सो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से यूज़ करना है, और मैं आपको इसके बारे में कुछ बेनिफिट से बता दूंगी। तो चलिए सबसे पहले अपने फेस को वॉश कर लेते हैं। बहुत ही चिपचिप और स्टिकी सा फेस हो रहा है क्योंकि आजकल गर्मी हो रही है, आपको पता ही है। तो ये फेस वॉश इतना अच्छा है कि जब आप इसको वॉश करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि ये उपटन का फेस वॉश है, नो पैराबिन है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सल्फेट नहीं है, ऑल स्किन टाइप है, और 100 ml का ये ट्यूब है। तो चलिए चलते हैं और इसको यूज करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको फेस वॉश के इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। एक्वा, कोकोनट ऑयल, वॉलनट बीट्स, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है टर्मरिक और सेफ्रॉन। तो ममा अर्थ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो टॉक्सिन फ्री होते हैं, ये इंडियन ब्रांड है, इसलिए मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जितना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं किस तरह से इसको अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूं। इसमें टर्मरिक और सेफ्रॉन है, इसकी वजह से इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, ये आपकी स्किन को डिटैन करता है। तो अभी मैं आपको बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट दिखाती हूं। अभी तो मैं अपने फेस को क्लीन कर रही हूं, जब मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी तो आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक कोड दे दूंगी, बुलबुल 2021, जिससे आप एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी पा सकते हैं। तो अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है, अब मैं अप्लाई करने जा रही हूं ममा अर्थ का उपटन नाइट फेस मास्क। आप इसको एज अ मास्क नहीं यूज करेंगे, आप इसको एज अ नाइट क्रीम यूज करेंगे, जिस मेन इंग्रेडिएंट है टर्मरिक एंड नियासिनामाइड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ममा अर्थ के प्रोडक्ट टॉक्सिन फ्री होते हैं, तो ये भी टॉक्सिन फ्री है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, और आप देख सकते हैं अंदर का जो प्रोडक्ट है वो एक फोम की तरह है, एक जेल है, जो कि बहुत अच्छा है, आपकी स्किन पे लगते ही एब्जॉर्ब हो जाने वाला है। तो इसकी मैं थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर अपने फेस पे डॉट डॉट करके पूरे फेस में अप्लाई कर लूंगी, और फिर इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे। तो ये बहुत अच्छा है, आपकी स्किन पे ओवरनाइट वर्क करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट, सफल और यंगर बनाता है। ममा अर्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो ममा अर्थ, अमेजॉन, नायका, पर्पल पर अवेलेबल हैं। तो ममा अर्थ ने हाल ही में भी अपना एक ऐप लॉन्च किया है, जहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। और अगर मैं आपको इनकी गुडनेस रिपोर्ट के बारे में बताऊं, तो इन्होंने 1,00,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, 50,000 इन्होंने सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और 20,000 इन्होंने मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हीरोज़ को। इस मास्क की जो प्राइस है वो 599 है। तो देखा, आपसे बात करते करते मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन भी हो गया। तो अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ आज सैंडविच ढोकला, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत दिन से कोई अच्छी रेसिपी नहीं शेयर करी है, तो मैंने ये आधे घंटे पहले कुछ चावल और उड़द की दाल साथ में मूंग की दाल भिगो दी है। आधा कप चावल है और एक कप चावल है, आधा कप मूँग की दाल है, आधा कप उड़द की दाल है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मेथी भी डाल दिया है, और थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं ये पोहा लूँगी, इसको भी मैं वॉश करके भिगो करके रख दूंगी। तो 1 से 1.5 घंटे बाद मैंने ये सारी चीज़ें मैं इसको पीसने आ गई हूँ। तो मैंने देखिए चावल लिया है, इसमें पोहा डाल दिया है, अब मैं इसको पीस करके एक दरदरा सा पेस्ट बना लूँगी। अब मैं यहाँ पे दाल पीसने जा रही हूँ, तो दाल भी मैंने एक साथ डाल दी है, इसमें मेथी दाना भी है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, और आधा कप आप समझ लीजिए कि आप इसमें दही यानी कि कर्ड डाल देंगे, और इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला के पेस्ट बना लेंगे। इसका हमें फाइन पेस्ट बनाना है,
और ये रेसिपी मैंने देखी है, यूट्यूबर की ही देखी है। मेरे फ़ोन स्क्रीन पे यूट्यूब पे शो हो रहा था, तो वही मैं देख करके फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। मतलब वैसे मैं डोसा बनाती रहती हूँ इस बैटर का, लेकिन आज मैं आधे घंटे में ही भिगो करके तुरंत के तुरंत इडली बनाने जा रही हूँ। और वाकई ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा बना था। इस तरह से आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता था कि बैटर को फर्मेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छा कुछ भी इडली या डोसा बनता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने क्या किया है, एक बाउल में थोड़ा बैटर निकाल दिया है और फर्स्ट जो राउंड है उसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनो डाली हूँ। और ये देखिए, मैंने इसको निकाल दिया है और ये वाले को मैं बनाने जा रही हूँ। तो आपने देखा कि कितना अच्छा फेट लिया है हमने इस बैटर को। पापा जी भी मेरे साथ आ गए थे किचन में। पापा जी एक्चुअली बहुत अच्छा इडली का बैटर फर्मेंट कर लेते हैं, मतलब उनको काफ़ी आइडिया है। और मैं ये कुकर में बनाने जा रही हूँ, साथ में मैं इसे इसमें बनाऊंगी, क्या बोलते हैं, भगोने में। तो यहाँ मैंने एक भगोने में पानी भर दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंड रख के कटोरियों में ऑयल लगा करके इसको मैंने एक लेयर डाली है दो दो चम्मच की, कि वाइट बैटर डालूंगी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ग्रीन चटनी मेरे पास रखी थी उसमें मैंने इस बैटर को मिलाया, मतलब दो चम्मच मैंने लिया है वाइट बैटर, दो चम्मच मैंने लिया है चटनी। तो दोनों को मिक्स करके अब मैं इसमें एक एक चम्मच ऊपर से, देखिए ये बन गया ना, इसको सिर्फ हमें 4 मिनट पकाना है। 4 मिनट में ये अच्छा खासा पक जाता है। ये देखिए, अब इसमें हम दो दो चम्मच डाल देंगे ये वाला बैटर, ग्रीन वाला। तो वाइट ग्रीन वाइट इस तरह से करते हुए बहुत अच्छा सैंडविच ढोकला बन जाएगा। आपने बाहर मार्केट में शायद रेस्टोरेंट में खाया भी होगा। इसको भी हमें 4 मिनट पकाना होगा। इसके बाद जो हम थर्ड लेयर डालेंगे वो भी हम वाइट डालेंगे। और ये देखिए, ये बैटर रखा हुआ है, अब हम इसको थर्ड लेयर डालेंगे वाइट। तो 4 मिनट बाद मैंने फिर से खोला है, तो यहाँ पे पापा जी मेरी अगेन हेल्प कर रहे हैं इसमें बैटर डालने को। मुझे बहुत गर्म लग रहा था तो पापा जी ने बोला मैं डाल देता हूँ, तो वही वो यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं अच्छे से। इसको भी हमें स्प्रेड कर लेना है। अब हमें इसको 12 मिनट पकाना है। तो 12 मिनट पकाने के बाद हमारा पूरी तरह से अच्छा सा ढोकला पक जाएगा। और ये देखिए, मैं अब इसको ढक देती हूँ। हाँ। ये हमने तीनों में बराबर डाल दिया। हाँ। तो 12 मिनट बाद मैंने खोल लिया है अपने भगोने को और आप देख सकते हैं ये पक गया है। मैंने चाकू से ट्राई देख लिया था और इधर मैंने चटनी भी पीस ली है नारियल वाली, साथ में मैंने इसका छौंक भी तैयार कर लिया है जो कि हमें ऊपर से डालना है। तो ये देखिए, हमारा गर्मा गर्म सैंडविच ढोकला तैयार है। कैसा लग रहा है कॉमेंट करके बताइएगा मुझे ज़रूर। आया था बेचने वाला, तो ये मैंने लीची ली है, वाटरमेलन एंड ये बनाना मैंने लिया है। तो आज बनाने वाले ने क्या किया, फ्रूट वाले ने एक बनाना मुझे कम दिया, मैंने 6 बनाना लिया आधा दर्जन, तो उसमें से उसने 5 ही दिए हैं। तो आजकल बहुत अच्छे से मतलब देखना पड़ता है, भरोसा नहीं है आजकल, बताओ। मैंने देखा नहीं कि उन्होंने मुझे 5 बनाना दिए 6 की जगह पर। और आज पहले दिन मैंने लीची लिया है, तो इसको मैंने भगवान जी के पास एक रख लिया है। पहले फ्रूट जो आता है उसको भगवान जी के पास रखते हैं। तो पीहू आज लीची खाने जा रही हैं। चलो इसको रुको रुको रुको, वेट पीहू वेट, इसको पहले मैं ऐसे रख देती हूँ।
फिर मैं अब पीहू को बताती हूँ कि लीची कैसे खाया जाता है ना पीहू। चलो पहले 4 लीची ले चले। चलो इसी में पील करेंगे, पकड़िए। चलो रूम पे चलिए, अभी पीहू नहाई है। चलो 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 चलो, पीहू की क्लास खत्म हो गई है ना, बैठ जाओ। छिलोगी? आता है छीलना आपको? नहीं। पील करेंगे, धीरे धीरे पील करेंगे। देखो ऐसे पील होता है, इसको ये जो है इसका छिलका है, ठीक है, रेड कलर का जो है ये छिलका है। पीहू ने लीची जूस तो खाया पिया है, लेकिन लीची फर्स्ट टाइम खा रही है ना, बड़े में लीची फर्स्ट टाइम खा रही है, जब छोटी थी तो इतना आइडिया नहीं था, है ना। चलो खाते हैं। ओ पीहू, कितना ब्यूटीफुल पीहू ने ट्री बनाया, बट आपने इसको फिंगर से बनाया, बट ये आपने रेड क्यों किया? रेड होता ही है। रेड तो नहीं होता, ट्री तो ग्रीन होता है। हाँ ये भी रेड होता है, तो आपको इसको ग्रीन करना चाहिए था ना, बटरफ्लाई रेड कर देती, लेकिन ट्री तो देखो यहाँ पे ग्रीन लीफ है, ये भी ग्रीन लीफ है, ब्लैक तो चलो अच्छा है, लेकिन यहाँ तो रेड होना नहीं चाहिए था, यहाँ तो ग्रीन होना चाहिए था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया था, बस आपके साथ एक रेसिपी शेयर करी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।